किसान साथियों सबको नमस्कार। मैं आज आपके सामने खेती के संबंध में, गेहूं की फसल के कीट व्याधि के संबंध में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। किसान साथियों, आज मेरे पास एक गांव के काश्तकार आए, उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल में बलियों में एक पीले रंग का कीट जो बल्लियों में काफी संख्या में है, तो उसके लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। किसान साथियों, ये पीला भूंडिया जो सरसों में फसल में होता है और सरसों की फसल की कटाई के बाद गेहूं की बल्लियों में ये ट्रांसफर हो जाता है उड़कर अपने आप, ये हमारा एक बहुत ही मित्र कीट है। आपके गेहूं की फसल में अगर कोई तेला चेपा है भी तो ये 3 दिन में इसको खाकर चबाकर समाप्त कर देगा, इसलिए हमें किसी भी तरह की इस कीट को देखकर, इसे कृषि में इसका नाम लेडी बीटल बग के नाम से ये जाना जाता है और अपने देसी भाषा में इसे पीला भूंडिया कहते हैं, इसको हर सूरत में हमें बचाए रखना है क्योंकि ये हमारा बहुत ही एक मित्र और सज्जन कीट है। और अगर 1-2% कोई फसल में तेले चेपे से गेहूं की फसल में नुकसान भी हो रहा है और अगर ये खेत की बलियों में पर्याप्त मात्रा में है तो किसी भी सूरत में हमें कोई कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको हमें बचाना, इस मित्र कीट को बचाना किसान के लिए बहुत जरूरी है। और आप देख चुके हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा हम आज की तारीख में भुगत रहे हैं, तो मेरा किसान बंधुओं से आग्रह कि किसी भी सूरत में अगर गेहूं की फसल में बलियों में अगर ये कीट आया है तो इसे दुश्मन कीट न समझें, ये हमारा मित्र कीट है और गेहूं की फसल में किसी भी तरह की स्प्रे नहीं करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।